Charizard, I choose you! Flamethrower, let's go! Now, use Dark Pulse! This video is purely fan-made, which means इसका anime से कोई भी connection नहीं है. Now enjoy the video. Hey Ash, इतने सालों बाद हम दोनों फिर से मिल ही गए हैं. I hope इस बार तुम prepared होगे और फिर से सिर्फ मेरे दो Pokemon से अपनी पूरी team sweep नहीं करवाओगे. Don't worry Tobias, I never repeat my mistakes. इस बार I'm going to thrash you. Mark my words. वो तो पता चल जाएगा. जाओ, Dark Rai. Charizard, I choose you. आज चार्जार्ड को बाहर निकालकर फ्लेम थ्रोवर अटैक यूज करने को बोलता है. वहीं पर डार्कराई यूज करता है डार्क पल्स अटैक का एंड दोनों मूव्स में एक क्लैश हो जाता है, जिसकी वजह से एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सब जगह काफी धुआं फैल जाता है. आज को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बट अंदर ही से टोबायस की आवाज आती है, डार्कराई आइस बीम. आइस बीम तो सिर्फ चार्जार्ड और एश को डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका था. जब तक चार्जार्ड आइस बीम डॉज करता है, तब तक डार्कराई अपना असली मूव खेलता है डार्क वॉइड, जिससे किसी भी पोकेमोन को सुलाना पॉसिबल था. एंड ऐसा ही होता है, चार्जार्ड सो जाता है. इससे पहले कि आश कुछ भी ऑर्डर देता चार्जार्ड को, उसको टोबायस की स्ट्रैटेजी समझ आ जाती है. उसे अपनी पुरानी दो बैटल्स याद आती हैं. पहली, जब पिछले बार टोबायस ने डार्कराई से हेराक्रॉस को सुलाया और फिर ड्रीम ईटर से हराया, और दूसरी जब रिसेंटली सिंथिया ने भी यही स्ट्रैटेजी से ड्रैगनाइट को हराया. लेकिन इस बार इससे पहले कि ड्रैगनाइट ड्रीम ईटर यूज करता है, आश चार्जार्ड को पहले ही वापस बुला लेता है और फिर इन्फर्निप आते ही डार्कराई को एक सुपर इफेक्टिव मार्क पन से हिट करता है. बट आश को कोई आइडिया नहीं था, ये टोबायस की एक स्ट्रैटेजी थी इन्फर्निप को अपने पास बुलाने की. एंड जैसे ही इन्फर्निप डार्कराई से क्लोज रेंज में आ जाता है, डार्कराई यूज कर देता है डार्क वॉइड का, जिसकी वजह से वही होता है जो चार्जार्ड के साथ हुआ था. इन्फर्निप भी सो जाता है, पर आश चिल्लाता है, हे इन्फर्निप, तुम्हें याद है हम दोनों कैसे मिले थे? आज तुम्हें उसी बॉन्ड को जगाकर इस स्लीप को तोड़ना होगा. तुम कर सकते हो दोस्त. एंड ये सब वर्ड सुन के इन्फर्निप की आंख खुल जाती है. एंड देन इन्फर्निप ब्लेज एक्टिवेट करके एक फ्लेम थ्रोवर यूज करता है, जो डार्कराई पर एक हिट होता है. इसके बाद टोबायस कहता है, आश बहुत झेल लिया मैंने तुम्हारे इन्फर्निप को, अब हमें भी ये खत्म करना होगा. डार्कराई नाइट शेड मूव का यूज करो. डार्कराई नाइट शेड यूज करके इन्फर्निप की तरफ बढ़ता है. वहीं पर इन्फर्निप यूज करता है फ्लेयर ब्लिट्स का और वो डार्कराई की तरफ बढ़ता है. दोनों पोकेमॉन्स भिड़ जाते हैं एंड एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है. पूरा स्टेडियम उन दोनों के स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स की वजह से हिल जाता है. एंड अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है कि डार्कराई फेंट हो गया है. टोबायस कहता है, अनबिलीवेबल, आज तुम काफी बदल चुके हो, बट अब मैं और तुम्हें नहीं झेलने वाला, मैं तुम्हें चुनता हूँ, मोल्ट्रेस. आश मोल्ट्रेस को देखते ही इन्फर्निप को फ्लेयर ब्लिट्स यूज करने को कहता है और इन्फर्निप एक काफी स्ट्रॉन्ग फ्लेयर ब्लिट्स से मोल्ट्रेस को हिट भी कर देता है. इसके तुरंत बाद इन्फर्निप मार्क पंच यूज करता है, बट इस बार मोल्ट्रेस उस पे विंग अटैक कर देता है और इन्फर्निप फेंट हो जाता है. तभी आश कहता है, इस फायर फ्लाइंग टाइप पोकेमोन को मैं अपने फायर फ्लाइंग से रोकूंगा, चलो चले. चार्जार्ड का स्लीप हट चुका था एंड ये आश के लिए सबसे बेनिफिशियल चीज थी. चार्जार्ड और मोल्ट्रेस दोनों ही फ्लेम थ्रोवर मूव का यूज कर देते हैं और दोनों मूव में एक काफी बड़ा क्लैश हो जाता है. देख के ऐसा लग रहा था कि दोनों पोकेमोन की पावर इक्वल है. एंड इसके बाद दोनों पोकेमोन्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैटल शुरू हो जाती है. दोनों हार मानने के लिए रेडी नहीं थे और ये बैटल बहुत लंबी चलने लगती है. इसके बाद चार्जार्ड यूज करता है ड्रैगन रेज मूव का, बट ऐसा लगता है कि मोल्ट्रेस पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ. फिर चार्जार्ड फ्लेम थ्रोवर का यूज करता है, जो मोल्ट्रेस पर एक डायरेक्ट हिट होता है, बट बदले में मोल्ट्रेस भी फ्लेम थ्रोवर यूज करता है, जो चार्जार्ड को भी डैमेज कर देता है. चार्जार्ड फिर से फ्लेम थ्रोवर यूज करता है, जिसे मोल्ट्रेस काफी इजीली अब्सॉर्ब कर लेता है. एंड एज अ फिनिशिंग मूव मोल्ट्रेस अपना फ्लेम थ्रोवर यूज करता है, जिसे रोकने के लिए चार्जार्ड यूज करता है ड्रैगन रेज का. दोनों मूव्स में काफी बड़ा क्लैश हो जाता है एंड एक एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि दोनों ही पोकेमोन्स में डाई हो चुका है, यानी दोनों फेंट हो गए हैं. इसके बाद एश निकालता है अपने लुकारियो को. टोबायस कहता है, ओ एश, एक लुकारियो, हाँ इससे मिलो. और तभी एश काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि टोबायस भी निकालता है लुकारियो को. बैटल शुरू होते ही दोनों पोकेमोन्स अपने ओरा स्फीयर का यूज कर देते हैं, जो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इसके बाद एक ओरा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसके हटते ही हम देख पाते हैं कि दोनों पोकेमोन्स पूरी ताकत से एक दूसरे से बैटल कर रहे हैं और कोई भी हारने के लिए रेडी नहीं था. दोनों ही पोकेमोन्स इक्वल डैमेज दे रहे थे एक दूसरे को. तभी टोबायस कहता है,
लगता है दोनों पोकेमोन्स की पावर इक्वल है। अगर हमें ये बैटल जीतनी है तो मुझे अपने लुकारियो की अटैकिंग पावर बढ़ानी होगी। ये बोलते ही टोबायस का लुकारियो स्वॉर्ड डांस मूव का यूज करता है, जिससे उसकी अटैकिंग पावर काफी बढ़ जाती है, जो एश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। और इसके बाद टोबायस का लुकारियो एक मेटल क्लॉ मारता है, जिससे एश के लुकारियो को बहुत डैमेज लग जाता है। तभी आश कहता है, हे लुकारियो, नो नीड टू वरी, एक ऐसी भी पावर है जो हमारे पास है और उनके पास नहीं। ये बोलते ही आश का लुकारियो अपने ओरा को एक्टिवेट कर लेता है और पहले से बहुत पावरफुल हो जाता है। इसके बाद आश का लुकारियो चार्ज करने लगता है अपने जायंट ओरा स्पीयर को, जो बहुत स्ट्रांग था। इसे रोकने के लिए टोबायस का लुकारियो यूज करता है ड्रैगन पल्स मूव का। दोनों की मूव्स काफी पावरफुल थे, जिसकी वजह से एक क्लैश होता है और एक एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि टोबायस के लुकारियो ने काफी डैमेज ले लिया है और वो फेंट हो जाता है। इसके बाद टोबायस अपना नेक्स्ट पोकेमॉन निकालता है। डिओक्सिस को देखकर आश लुकारियो को वापस बुला लेता है। डिओक्सिस अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव फोर्डॉन गाइजर से शुरू करता है, जिसे रोकने के लिए सेप्टाइल बुलेट सीड यूज तो करता है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। सेप्टाइल क्विक अटैक से उसे डॉज करता है और फिर क्विक अटैक से डिओक्सिस को हिट भी करता है। डिओक्सिस रिप्लाई में शैडो बॉल से सेप्टाइल को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे सेप्टाइल मैसिव अमाउंट ऑफ डैमेज ले लेता है। तभी आश कहता है, हे सेप्टाइल, एक ही रास्ता है, उसे चार्ज करना शुरू करो। टोबायस को समझ नहीं आता आश किस मूव को चार्ज करने की बात कर रहा है, एंड इसीलिए डिओक्सिस से हाइपर बीम करने को बोलता है। डिओक्सिस के हाइपर बीम को सेप्टाइल पहले डॉज करता है और फिर अपने चार्ज मूव यानी सोलार बीम को लॉन्च कर देता है, बट डिओक्सिस डिफेंस फॉर्म में आके उसे काफी इजिली सह लेता है। इसके बाद सेप्टाइल बुलेट शीट मूव का यूज करता है, जिससे डिओक्सिस स्पीड फॉर्म में आके काफी इजिली डॉज कर लेता है। सेप्टाइल की दूसरी सोलर बीम को भी डिओक्सिस डॉज करता है और फिर गीगा इंपैक्ट से सेप्टाइल पे ही अटैक कर देता है। सेप्टाइल उसे रोकने के लिए लीफ ब्लेड यूज करता है, बट उल्टा खुद ही डैमेज ले लेता है। अब सेप्टाइल काफी डैमेज ले चुका था, डिओक्सिस सिचुएशन को देखते हुए अपने फॉर्म्स बदल लेता था। तभी आश एक चीज नोटिस कर लेता है, जब भी डिओक्सिस अपने अटैक या स्पीड फॉर्म में होता था, उसके अटैक और स्पीड तो बहुत ज्यादा होते थे, बट उसकी डिफेंस उस टाइम काफी कम होती थी। यानी अगर आश किसी तरह डिओक्सिस को उसके अटैक या स्पीड फॉर्म में हिट कर दे तो वो उसे काफी डैमेज कर सकता है एंड मे बी हरा भी सकता है। आश कहता है, हे सेप्टाइल, लेट्स डू इट। लकीली इसी टाइम सेप्टाइल की ओवरग्रोथ एबिलिटी भी एक्टिवेट हो जाती है। आश कहता है, ओके सेप्टाइल, क्विक अटैक की हेल्प से डिओक्सिस को उसके अटैक फॉर्म में पकड़ लो और उसे फॉर्म मत बदलने देना। सेप्टाइल ऐसे ही करता है और डिओक्सिस को पकड़ लेता है। सेप्टाइल डिओक्सिस को एक काफी स्ट्रॉन्ग सोलर बीम से हिट कर देता है, जिससे डिओक्सिस डैमेज देता है और फिर डिओक्सिस यूज करता है फोटोन गाइजर का। सेप्टाइल भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव लीफ स्टॉर्म का यूज कर देता है। दोनों मूव्स काफी स्ट्रॉन्ग थे एंड इसके बाद हम देख पाते हैं कि दोनों पोकेमॉन्स में टाई हो चुका है एंड दोनों ही पोकेमॉन्स फेंट हो चुके हैं। दोनों ट्रेनर्स अपने अगले पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं। ग्रेनिंजा एरियल एस से शुरू करता है, जिसे लैटियोस ड्रैगन पंच से काउंटर कर लेता है और ग्रेनिंजा डैमेज ले लेता है। आश अपने ग्रेनिंजा को इसके बाद कट यूज करने को बोलता है, जिसे लैटियोस इनविजिबल होके काउंटर कर लेता है और लैटियोस दिखाई भी नहीं दे रहा था। ग्रेनिंजा को काफी डैमेज लग जाता है। तभी आश चिल्लाता है, हे ग्रेनिंजा, हमें किसी तरह लैटियोस की इनविजिबिलिटी हटानी होगी जिससे हम उसे हिट कर पाए। चलो ये काम अपने नए मूव से करते हैं, जो हमने सिर्फ इस बैटल के लिए सीखा था। इसके बाद ग्रेनिंजा यूज करता है डार्क पल्स मूव का, जो इनविजिबल लैटियोस को ढूंढ कर उसे हिट भी कर देती है। ग्रेनिंजा कट का यूज करने आगे तो बढ़ता है, बट लैटियोस अपने साइकिक के मूव से ग्रेनिंजा को वापस फेंक देता है उसी के रास्तों पे। तभी आश कहता है, इट्स टाइम ग्रेनिंजा। बॉन्ड इवॉल्व होकर ग्रेनिंजा यूज करता है कट मूव का, वहीं पर लैटियोस यूज करता है गीगा इंपैक्ट का। इसके बाद दोनों पोकेमॉन्स अपने फिनिशिंग मूव का यूज करते हैं। टोबायस कहता है, ओ आश, तुम पहले से बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, माफ करना, बट अपने लास्ट पोकेमॉन के तौर पर मुझे अपने दोस्त को बुलाना ही होगा। ये बोलते ही टोबायस एक काफी अजीब सा आइटम निकाल लेता है और बोलता है, हे फ्रेंड, आई नीड योर हेल्प। ये बोलते ही वो आइटम चमकने लगता है और उससे काफी बड़ी बीम निकलने लगती है, सब जगह धुआं फैल जाता है और फिर यूवेल्टल टोबायस का एक काफी अच्छा फ्रेंड था और आश से यहाँ पर टोबायस की तरफ से बैटल करने आया था। आश नर्वस नहीं होता और ग्रेनिंजा को बैटल करने को कहता है।
या उल्टा शैडो बॉल मूव को चार्ज करने लगते हैं, पर ग्रेनेंजा कट करने के लिए आगे बढ़ता है, बट शैडो बॉल काफी तेज थी और कट लगने से पहले ही ग्रेनेंजा को हिट कर देती है। ग्रेनेंजा स्मोक के अंदर से निकलता है और कॉन्स्टेंटली यूवल्टाल पे वाटर शरिकेन यूज करने लगता है। या उल्टल अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव ऑब्लिवन विंग का यूज करता है, जिसकी वजह से ग्रेनेंजा की सारी एनर्जी निकल जाती है। ग्रेनेंजा को वापस बुलाकर आश अपने अगले पोकेमोन को भेजता है। या वोल्टाल लुकारियो पर भी ऑब्लिवन विंग का यूज करता है, बट लुकारियो उसके अंदर से घुसकर ओरस स्पीयर लॉन्च करता है, जो या वोल्टाल को डैमेज कर देता है। या वोल्टाल डार्क पल्स को चार्ज करने लगता है, वहीं पर लुकारियो भी जायंट ओरस स्पीयर लॉन्च कर देता है। दोनों मूव्स में एक क्लैश हो जाता है एंड एक एक्सप्लोजन भी हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों पोकेमोन्स ने बहुत ज्यादा ही डैमेज ले लिया था, बट अल्टीमेटली लुकारियो को बहुत डैमेज लगा था और वो फेंट हो जाता है। पीकाचू थंडरबोल्ट का यूज करता है, वहीं पर यावोल्टल यूज करता है ऑब्लिवन विंग का, एक और एक्सप्लोजन होता है और फिर पीकाचू आयरन टेल का यूज कर देता है, बट यावोल्टल पीकाचू को डार्क पल्स की हेल्प से पीछे फेंक देता है। पीकाचू हार नहीं मानता और पूरी फुल पावर थंडरबोल्ट से यावोल्टल पे अटैक करता है, जो यावोल्टल को हिट भी कर देता है। इसके बाद यावोल्टल यूज करता है रॉक स्लाइड मूव का, जो पीकाचू पे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और सारी रॉक्स पीकाचू पे हिट लग जाती है। इवन दो सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि पीकाचू फेंट हो चुका होगा, बट ऐसा नहीं होता और पीकाचू निकल आता है बाहर। इस पॉइंट पर दोनों ही पोकेमोन्स काफी डैमेज ले चुके थे। पीकाचू यूज करता है एक डिवास्टेटिंग थंडरबोल्ट का और यावोल्टल यूज करता है ऑब्लिवन विंग का। दोनों के मूव्स में काफी बड़ा क्लैश हो जाता है। पीकाचू को ऑब्लिवन विंग हिट तो कर जाता है, बट यावोल्टल को भी थंडरबोल्ट हिट कर चुका था, जिसकी वजह से लकीली उसे पैरालाइज लग जाता है। पीकाचू के अटैक की हेल्प से आगे बढ़ने लगता है। यावोल्टल उसे शैडो बॉल से रोकने की कोशिश करता है, बट पीकाचू उसे डॉज करता है और उसकी दूसरी शैडो बॉल को भी आयरन टेल से रोक देता है, पर वो ऑब्लिवन विंग से नहीं बच पाता और मैसिव अमाउंट ऑफ डैमेज ले लेता है। अब पीकाचू बहुत बुरी हालत में था, बट एश स्माइल करने लगता है। एश कहता है, हे पीकाचू, यू नो व्हाट, हम लोग अपनी जर्नी पर इतने आगे आ चुके हैं कि अब हम हार भी जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, बट एक लास्ट ट्राई तो करना पड़ेगा ना। ये सुनते ही पीकाचू भी खड़ा हो जाता है। इसके बाद आश और पीकाचू अपने जी मूव को एक्टिवेट कर देते हैं। यावोल्टल भी अपनी शैडो बॉल को चार्ज करना शुरू कर देता है। यावोल्टल अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करके फील्ड छोड़कर चला जाता है। अनकॉस्ट ओबायस हैड नो मोर पोकेमॉन लेफ्ट टू बैटल। आश केशम डिफीटेड टोबायस।